हेलो दोस्तों, नमस्ते। नवजोत होम शेफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की नई रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी है मावे के गुलाब जामुन। उसके लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट, ये रहा 1 कटोरी मावा जो हमने घर पर बनाया है दोस्तों दूध का। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मावा और 3 चम्मच हमें चाहिए मैदा, आधा टीस्पून हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, 1 कटोरी चाहिए हमें चीनी चाशनी बनाने के लिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लीजिए दोस्तों, हमें चाशनी बनाने के लिए हमने गैस पर फ्राई पैन रख दी। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी, 1/4 कप अभी हम मावा में डालेंगे, जो हमारा मैदा था वो डाल लिया। इसमें अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये लीजिए दोस्तों, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अभी हम इसे अच्छी तरह से मैश करके इसके गोले बना लेंगे दोस्तों। और इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। आइए बनाते हैं गुलाब जामुन। लीजिए दोस्तों, जो हमारा मावा और मैदा था उसे इसी तरह से गूंदना है हमने अच्छी तरह से, ताकि जो मावे की डलियां है वो ना बने। इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम गोले बनाएंगे दोस्तों। लीजिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से घर पर बनाए गुलाब जामुन मावे के 4 चीज़ों से बनकर रेडी हो जाती है दोस्तों। एक बार अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों। लीजिए दोस्तों, हमारे सभी गोले बनकर बिल्कुल रेडी है दोस्तों। अब हम इसे फ्राई करेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारे गोले बन गए अब गुलाब जामुन के। हमने कढ़ाई रख दी और इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया दोस्तों। इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे, उसके बाद जो हमारे गोले हैं गुलाब जामुन के इसे फ्राई करेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारे गुलाब जामुन बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी बने हैं गुलाब जामुन। एक बार अपने घर पर मावे के गुलाब जामुन ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।